जी, तो मैं ये कह रही थी कि हम जो है वो पहले ऑक्साइड्स पढ़ रहे थे नाइट्रोजन के, और अब जो है वो हमने ऑक्सी एसिड्स पढ़ने हैं नाइट्रोजन के। ऑक्सी एसिड्स का मतलब ये है कि हम एसिड्स पढ़ रहे हैं। एसिड बेसिकली वो चीज़ होती है जो इसमें हाइड्रोजन होता है, जिस भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन उसको उसके पास हाइड्रोजन देने की एबिलिटी हो, तो हम उसको एसिड बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी थी एसिड्स के बारे में, कि एसिड क्या है और एसिड कैसा होता है, कौन सा एसिड कैसा है। लिवाइस की थ्योरी है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने ये पढ़ी होंगी, 10th क्लास की केमिस्ट्री में आई गेस है ये। ठीक है, और जो है आज जो है हमने नाइट्रोजन के जो है सेकेंड ईयर ऑक्सी एसिड्स पढ़ने हैं। हमने पढ़ना है कि भाई नाइट्रोजन जो है वो कौन कौन से एसिड्स बना रहा है, कि उन कौन कौन से एसिड्स हैं, और जो है उन एसिड्स की केमिस्ट्री क्या है, उनके रिएक्शंस क्या हैं, और कैसे वो रिएक्शंस देता है, कौन सा एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा एसिड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमने सारी की सारी चीजें जो है हम बेसिकली चैप्टर जो पढ़ रहे हैं 4, इसमें हम नाइट्रोजन जो है वो पहला मेंबर है हमारे पास 5A का। तो नाइट्रोजन के ही हम कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि नाइट्रोजन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन स्टेबल बॉन्ड्स, हमने ऑक्साइड देखा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है। और हमने ये भी कहा कि जो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स बनते हैं वहां पर रेजोनेंस होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड शिफ्टिंग होती है। आप अभी इस बात को रहने दें, अभी आप इतना ही करें कि मतलब जो है नाइट्रोजन वो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने डिफरेंट ऑक्साइड्स की बात की थी, जैसे हमने पीछे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को पढ़ा, हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड को पढ़ा, इसके अलावा हमने डाई नाइट्रोजन को नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड को पढ़ा। ये 3 ऑक्साइड्स वो थे जो हमने पढ़े थे। ठीक है, और आज जो है हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने ऑक्सी एसिड्स पढ़ने हैं। ऑक्सी एसिड्स मतलब कि हमने नाइट्रोजन के जो एसिड्स हैं, नाइट्रोजन जो जो से एसिड्स बना रहे हैं वो पढ़ने हैं। हमने देखना है कि कौन सा एसिड कैसा है, कौन से एसिड्स के रिएक्शन है, कौन सा एसिड कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो हमने इस चैप्टर 4 में देखनी है। और मैंने आपको कहा कि बच्चों इसमें बहुत रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को रोज के रोज ही तैयार कर लेना। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4.2.3 ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन में मैंने कहा कि नाइट्रोजन जो है वो 2 एसिड बनाता है, एक तो नाइट्रस एसिड बनाता है और एक नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो सेकेंड ईयर वही बात आ गई जो मैं आपको बता रही थी, कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है हम वहाँ पर ICIC लिखते हैं, जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वहाँ पर OUS लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप HNO2 की बात करेंगे तो हम इसको नाइट्रस एसिड कह रहे हैं। अब हम इसको नाइट्रस एसिड इस वजह से कह रहे हैं, हमारे पास जो सेंट्रल एटम है ना इस टाइम पर नाइट्रोजन है, मतलब हमारा जो कंसर्न है सारा वो नाइट्रोजन पे है। हम जितनी भी बात करेंगे वो नाइट्रोजन के बिहाफ पर कर रहे हैं। तो देखिए नाइट्रस एसिड हम इसको इस वजह से कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो HNO2 है, HNO2 है तो ऑक्सीजन की -2 है, तो 2 की -4 हो गई, हाइड्रोजन की +1 है, तो नाइट्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बन रही है। ठीक है, और अगर आप नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो HNO3 है, वहां पर 3 ऑक्सीजन है, -6 हो गई ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन एक है तो +1 हो गया, और साथ कहते हैं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड के अंदर। ठीक हो गया, तो ये वजह है कि हमने एक को नाइट्रस एसिड कहा है और दूसरे को हमने नाइट्रिक एसिड कहा है। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है कि जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक की अगर थोड़ी है और दूसरे की ज्यादा है, तो जहां पर ज्यादा होगी वहां पर IC लगाना है, और जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो वहां पर OUS लगाना है। ठीक है, ये बात अब नहीं बोलनी आप लोगों ने। तो हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एसिड्स हैं, एक नाइट्रिक एसिड है और एक जो है वो नाइट्रस एसिड है। ठीक है, और जो है नाइट्रस एसिड जो है वो कहता है वो इतना स्टेबल जो है वो कंपाउंड नहीं है, इसके जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होते रहते हैं, बॉन्ड जो है वो चेंज होते रहते हैं, इस वजह से कहता है नाइट्रस एसिड को इतना स्टेबल एसिड नहीं है जितना स्टेबल नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात कर लें नाइट्रस एसिड को बनाने की, तो उसने जो पहली प्रेपरेशन नाइट्रस एसिड को बनाने की है वो ये किया है उसने, कि हमारे पास N2O3 है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O3, तो कहता है उसने क्या किया, N2O3 क्या है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन करवाया हमने वाटर के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है
कि इसका जो रिएक्शन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, मतलब इतने लो टेम्परेचर अगर हम देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो फिर ये जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रस एसिड में। देखें सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि बहुत सी चीजें हैं रिएक्शन जब हम करते हैं तो एक चीज पैरामीटर नहीं होती, बहुत सी चीजें पैरामीटर होती हैं, रिएक्टेंट्स पैरामीटर होते हैं, रिएक्शन की कंडीशंस पैरामीटर होती हैं, रिएक्शन का टेम्परेचर पैरामीटर होता है, उस सोल्यूशन की पीएच पैरामीटर होती है। तो डिफरेंट चीजों के चेंज होने से रिएक्शन की जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड जब हम उसका रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं, तो हो सकता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें नाइट्रस ऑक्साइड ना मिलता। तो जो है 0 डिग्री सेल्सियस को ही जब हमने यूज किया, तो हमारे पास जो एसिड मिला है वो कौन सा एसिड है, नाइट्रस एसिड है। कैसे मिला है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का रिएक्शन कराया वाटर के साथ, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे। तो कहता है कि हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया, नाइट्रस एसिड ऑब्टेन हो गया। पहला मेथड तो ये था नाइट्रस एसिड बनाने का। अब जो दूसरा मेथड है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो भी हमने आइस कोल्ड मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट पे जाकर जो है वो रिएक्शन किया, मतलब कि टेम्परेचर हाई पे ये रिएक्शन नहीं हो रहा, लो टेम्परेचर पे हो रहा है। कहता है यहाँ पर जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें हमने बेरियम नाइट्रेट को जो है वो सेकेंड ईयर यूज किया, और साथ इसका रिएक्शन कराया है सल्फ्यूरिक एसिड से। आप यहाँ पर ये देखें कि हमने इन दोनों रिएक्टेंट को आइस कोल्ड कंडीशन में लिया है, कि जितना टेम्परेचर आइस का होता है उसी टेम्परेचर पे इन दोनों सोल्यूशन का टेम्परेचर, इन दोनों कंपाउंड्स का टेम्परेचर इतना रखा है, और फिर जो है हमने रिएक्शन किया है, और फिर हमारे पास क्या है, नाइट्रस एसिड आया है। और आप साथ देख रहे हैं बेरियम सल्फेट बना है। तो पीछे जब हमने मिनरल्स पढ़े थे तो हमने बेरियम का एक ही मिनरल पढ़ा था, बेराइट, BeSO4। तो ये मैंने नीचे लिख दिया है कि बेरियम सल्फेट क्या कहलाता है, बेराइट कहता है। अगर MCQ आ जाए तो आपने इसका आंसर कर देना है कि बेरियम सल्फेट इज ऑफन कॉल्ड या आल्सो कॉल्ड बेराइट, ठीक है। तो हमने जो नाइट्रस एसिड को बनाया है वो हमने दो तरह से बनाया, और दोनों में हमने टेम्परेचर जो है वो बहुत लो दिया है, ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर दिया है, तो फिर जाके जो है रिएक्शन हो रहा है। डिफरेंट रिएक्शन के डिफरेंट कंडीशन है, कुछ रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पे होते हैं। अब ये जो नाइट्रस एसिड का रिएक्शन है, अब ये देखें फ्रीजिंग पॉइंट पे, आइस कोल्ड वाटर है अगर, तो आइस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर भी फ्रीजिंग पॉइंट वाला ही टेम्परेचर होगा, मतलब जहाँ पर आइस जो है आइस होती है जितना उसका टेम्परेचर रहता है। तो इतने टेम्परेचर पे हमने क्या किया है, दो रिएक्शन कराए हैं, और हमने नाइट्रस एसिड को क्या किया है, अचीव किया, ऑब्टेन किया, ठीक है। अब ऐसा है कि जो नाइट्रस एसिड है ना वो इतना कोई स्टेबल नहीं है, इतना कोई स्टेबल एसिड नहीं है नाइट्रिक एसिड के मुकाबले में। कहता है कि ये इतना स्टेबल नहीं होता, ये बेसिकली जो है फॉरन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने आज एक और बात भी देखनी है, वो बात ये है कि हमने ये देखना है कि जो नाइट्रस एसिड है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव करता है, और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव करता है। अभी हम रिएक्शंस देखेंगे। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है, हमने पीछे पढ़ा, हमने बहुत दफा पढ़ा, कोई आपसे, आप आंखें बंद करके भी आपसे कोई पूछ ले, आप आंखें बंद करके बता देंगे कि कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे नाइट्रिक एसिड तो पक्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो यहाँ पर यही बात हमने आज डिस्कस करनी है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जो नाइट्रस एसिड है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव कर रहा है, और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव कर रहा है। तो ऐसा कैसा हो गया, तो उसने जो प्रॉपर्टीज है उसमें उसने यही लिखा है कि ये इतना स्टेबल नहीं होता, ये सिर्फ अपने सॉल्ट में जो है वो सॉल्ट में जब जाता है, सॉल्ट का मतलब ये है, ऐसे देखें सॉल्ट सेकेंड ईयर ये होता है कि अगर आपके पास कोई एसिड है, आपने उस एसिड से हाइड्रोजन निकाला और वहां पर किसी मेटल को प्लेस कर दिया तो वो सॉल्ट बन गया, समझ आ रही है बाकी। अब अगर मैं नाइट्रस एसिड की बात कर रही हूँ तो HNO2 है, अगर मैं हाइड्रोजन को निकाल दूँ, इसके जगह सोडियम लिख दूँ, पोटाशियम लिख लूं, तो ये इसका क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो कहता है ये सॉल्ट जब बनता है तो तब ये कुछ हद तक स्टेबल होता है, ये इतना स्टेबल एसिड नहीं है। फिर कहता है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में स्टेबल होता है, अगर हम कंसंट्रेटेड कर दें, अगर इसकी मिकदार ज्यादा कर दें, तो कहता है कि ये स्टेबल नहीं रहता, ये फॉरन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गई बात। तो हमने जो है वो ये देखा कि जो नाइट्रस एसिड है वो इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है वो स्टेबल है। अगर आप वैसे भी नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर देखें ना, जो नाइट्रस एसिड आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो बच्चे ऐसा है कि HNO2 है, तो जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पर दो बॉन्ड बनाए हुए। तो आप देख रहे हैं कि एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर भी है, नाइट्रोजन यहाँ पर तीन बॉन्ड बना रहे हैं।
तो कहता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या होते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब यहाँ से शिफ्ट होते हैं वहां पर जाते हैं, वहां से शिफ्ट होते हैं इधर आ जाते हैं, इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो ये लंबी कहानी है, आपने इसको इसमें नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ यही रखना है कि नाइट्रस एसिड इज नॉट स्टेबल एज कम्पेयर टू नाइट्रिक एसिड। तो जो हम इसके सॉल्ट बनाते हैं, तो कहते हैं कि उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड जो है वो स्टेबल बनता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि रिएक्शंस पे जाना है और रिएक्शंस देखने हैं नाइट्रस एसिड के। जो पहला रिएक्शन है वो कहता है कि भाई जो नाइट्रस एसिड है ना वो कोई स्टेबल चीज नहीं, इतनी स्टेबल चीज नहीं है, अगर हम उसको आम टेम्परेचर पे भी रखते हैं ना तो फिर भी कहता है फूरन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप रिएक्शन देख रहे हैं, जो पहला रिएक्शन है इट बिगन्स टू डिकम्पोज ऑलमोस्ट एज सून एज इट इज फॉर्म इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, कहता है जितनी आसानी से हम इसको जितनी आसानी से ये बनता है ना, मतलब जितना टाइम लगा के ये बना है उतने टाइम में ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। आप पहला रिएक्शन देख रहे हैं कि नाइट्रस एसिड फोरा ने किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब जरा सेकेंड रिएक्शन को देखें, तो कहता है ये जो नाइट्रस एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब दूसरे की ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि HNO2 ने अपनी ऑक्सीजन निकाल के साथ वाले कंपाउंड को देनी है। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड से आयोडीन जो है वो क्या हुआ, आयोडीन से हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन के साथ क्या अटैच होगी, ऑक्सीजन। ऐसे ही है, तो कहते हैं कि HNO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब काम करता है तो ये दूसरे की क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन कराता है, दूसरे को ऑक्सीडेशन दे रहा है। अब देखिए नीचे जो सेकंड रिएक्शन है HNO2, जब उसका वो कहता है कि बेसिकली होता कुछ यूं है कि HNO2 जो है वो क्या कर रहा है, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन या अटोमिक ऑक्सीजन, वो अटोमिक ऑक्सीजन जो है अपने साथ वाले कंपाउंड को देता है, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड में वो देता है, जैसे उसने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया है, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो HNO2 दे रहा है। जब वो नेसेंट ऑक्सीजन HNO2 दे रहा है तो कहते हैं हमारे पास क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, अब जो थर्ड रिएक्शन है वहां पर भी बच्चे आप लोग देख रहे हो SnCl2 है और HNO2 है, तो कहता है HNO2 ने क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, SnCl2 किसमें कन्वर्ट हो गया, SnCl4 में, और HNO2 जो था उसमें से ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट निकल गया है, जहां पर दो ऑक्सीजन थी अब उसमें एक ऑक्सीजन रह गई है, हाइड्रोजन तो निकली निकली है, साथ कहते हैं क्या निकल गई है, ऑक्सीजन भी निकल गई है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नाइट्रस एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा है, कि जिस भी कंपाउंड के साथ अटैच हो रहा है उसकी ये क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है, या उस कंपाउंड को ये क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, और आपने दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। अगर हम कहते हैं ना इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो अगर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो उस कंपाउंड की क्या हो जाती है, रिडक्शन। ये बात याद आपने रखी है, ये आपने रूल्स पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, कौन से चैप्टर में पढ़े थे ये मैं नहीं बताऊंगी, फिर आपने कहना है कि मैम हमें जो है ना वो लंबी लंबी और पुरानी बातें बताती हैं, तो मैं आपको पुरानी बातें नहीं बताऊंगी, मैं आपको नई बातें बताऊंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो है नाइट्रस एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज हो रहा है, और यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन में वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, मतलब दूसरे की। कहता है अगर हम यहाँ पर देखें KMnO4 है और HNO2 है, तो कहते हैं नाइट्रस एसिड ने KMnO4 जो है उसकी क्या कर दी है, रिडक्शन। आप देखें हमारे पास K2SO4 बन रहा है, मैंगनीज सल्फेट बन रहा है, और अगर आपको ऐसे समझ नहीं ना आएगी कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, तो आपने क्या करना है, सेकेंड ईयर रिएक्शन को किसी भी रिएक्शन को लें, ठीक है, और उसमें आपने HNO2 की रिएक्शन होने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है और रिएक्शन होने के बाद। अब देखें यहाँ पर HNO2 जो है वो क्या करा रहा है, यहाँ पर HNO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और जब वो HNO3 में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +5। तो दूसरे की तो उसने क्या कराई है, रिडक्शन, लेकिन इटसेल्फ क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई है। अब क्या कहते हैं ऐसे ही, जब हमने ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया, वहां पर भी HNO2 किसमें कन्वर्ट हो गया, HNO3 में, कि HNO2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, कि उसने बरोमीन की क्या करवा दी है, रिडक्शन। कैसे, बरोमीन पहले किस फॉर्म में था, मोलेकुलर फॉर्म में था, अब H2O में से हाइड्रोजन जब निकलेगा HNO2 से भी,
तो वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? ब्रोमीन के साथ, के ब्रोमीन को उसने हाइड्रोजन दी है, जिसको हाइड्रोजन दी उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो गया। अब मैंने आपसे ये डिस्कस करना है कि नाइट्रस एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बी क्यों काम कर रहा है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बी क्यों काम कर रहा है, और नाइट्रिक एसिड जो हम पढ़ेंगे आगे वो सिर्फ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम करता है। हम कहते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने पीछे भी देखा नाइट्रिक एसिड का जो है वो रिएक्शन कराया था हमने एल्यूमिनियम के साथ, और हमने कहा था भाई एल्यूमिनियम का नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी कंसंट्रेशन पे रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो फर्दर एल्यूमिनियम का जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है, की वजह से हम एल्यूमिनियम को नाइट्रिक एसिड को स्टोर करना हो तो एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तनों में अलॉयस में यूज करते हैं। ठीक है, अब जो चौथा रिएक्शन है इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले ये दो पॉइंट डिस्कस कर लें, दो रिएक्शन है आगे। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ है, बेस के साथ, ये क्या हो गया, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो गया, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। एसिड कंबाइन करिए बेस के साथ, सोडियम नाइट्रेट क्या भर रहा है, सॉल्ट भर रहा है, और साथ क्या बन रहा है, वाटर भर रहा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर फोर। और फिफ्थ रिएक्शन अगर देखा जाए तो नाइट्रस एसिड का रिएक्शन किया हुआ यूरिया के साथ, और फिर इसका रिएक्शन किया हुआ अमाइनो बेंजीन के साथ। आप लोगों ने बेंजीन का चैप्टर पढ़ा है, जब बेंजीन की एक हाइड्रोजन को उतारते हैं और हम अमाइनो ग्रुप NH2 लगाते हैं तो हम उसको अमाइनो बेंजीन कहते हैं। तो कहते हैं अमाइनो बेंजीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो C6H5 जो है वहां से सिर्फ OH निकलेगा और क्या बना देगा, फिनोल बना देगा, और साथ हमें नाइट्रोजन गैस जो है दोनों रिएक्शन में क्या होगी, ऑब्टेन होगी। ठीक हो गई बात, तो आसान से रिएक्शन थे, रिएक्शन मुश्किल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन बहुत सारे हैं। इस चैप्टर का मसला ये है कि ये चैप्टर है तो आसान, लेकिन इसके रिएक्शन बहुत सारे हैं। अब सेकेंड ईयर जरा इस बात को हम डिस्कस कर लें कि नाइट्रिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, बट नाइट्रस एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट वाई। अब देखें, आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है बच्चे। HNO3 में देखें जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो +5 बनती है। अगर आप लोग मेरे सामने बैठे होते तो मैं बोर्ड पे लिखती और फिर आपको बताती और मुझे भी जो है वो तसल्ली हो जाती कि आपको समझ आ गई है, लेकिन अभी भी मेरी भरपूर कोशिश है कि आपको समझ आ जाए। HNO3 की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, आम कंडीशन में 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो गई, एक हाइड्रोजन है तो +1 हो गया, और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है HNO3 में। लेकिन अगर मैंने आपको स्टार्ट में कहा नाइट्रस एसिड की बात की जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जरा क्या होगी, +3 होगी। कैसे होगी, नाइट्रिक एसिड में +5, नाइट्रस एसिड में +3, इस वजह से HNO2 है, ऑक्सीजन पे -2, एक पे 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो गया, हाइड्रोजन एक है तो +1, नाइट्रोजन पे +3। अब देखें नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें, लेकिन नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। मतलब कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 5 बॉन्ड ही बना सकता है। अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं तो नाइट्रोजन जो है 7 कॉमन नंबर है इसका, 7, 1s2, 2s2, 3s2, 3p3, तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, सॉरी 1s2, 2s2 और 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कहते हैं जिसमें से 5 इलेक्ट्रॉन जो है वही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन नाइट्रस एसिड में +3 से वो +5 में भी जा सकता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर भी इंक्रीज हो सकती है। ये वजह है कि वो यहाँ पर नाइट्रस एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी, लेकिन नाइट्रिक एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम करता है क्योंकि उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। समझ आ रही है बात की, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये वजह है कि नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके साथ इसका रिएक्शन होगा क्या, करवा देगा इसकी ऑक्सीडेशन। लेकिन जो नाइट्रस एसिड है वो डिपेंड करता है साथ वाला कंपाउंड कैसा है, साथ वाले जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसकी नेचर कैसी है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, आया वो उसको रिड्यूस करेगा आया फिर उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये थी कहानी नाइट्रस एसिड की। और अगर नाइट्रस एसिड की बात की जाए कि ये नाइट्रस एसिड कहाँ पर यूज होता है, हमने क्यों डिस्कस किया है नाइट्रस एसिड को, तो नाइट्रस एसिड जो है ना बच्चे इंडस्ट्री या डाइंग, डाई जिसको हम कहते हैं डाई करना ना,
जितने हम डिफरेंट कलर्स के ड्रेसेस लेते हैं, दुपट्टे हैं, या हमारे पास इतनी वैरायटी है, तो ये डाइंग की हाफ पर है, हमें जो इतनी अच्छी कम्बिनेशन मिल जाती है। तो कहता है जो डाइंग इंडस्ट्री है ना, इसमें नाइट्रस एसिड का बहुत काम है। नाइट्रस एसिड जो है वो कहता है इसका डाइंग इंडस्ट्री में बहुत काम है। काम कुछ ऐसे है कि ये ना एजो डाइज डाइज की किस्म है, उन डाइज को बनाने के लिए ये जो है नाइट्रस एसिड जो है वो यूज होता है। बेसिकली नाइट्रस एसिड के सॉल्ट यूज होते हैं।